गुरुग्राम समेत हरियाणा की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर एक अपडेट आप तक पहुंचे सबसे पहले। नमस्कार, आप देख रहे हैं वी न्यूज, मैं हूं आपके साथ संध्या बिष्ट। दुनिया में कोरोना महामारी का संकट अभी खत्म भी नहीं हुआ है कि एक नया खतरा उत्पन्न हो गया है। जी हां, दुनिया के सामने एक नई वायरस की चुनौती सामने आई। दरअसल पश्चिमी अफ्रीका देश में एक घातक वायरस का पहला मामला सामने आया है, जिसके बाद से यहां के लोगों में दहशत का माहौल है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इसकी पुष्टि की है। बता दें कि इस वायरस को इबोला और कोरोना से भी अधिक खतरनाक माना जा रहा है। रिपोर्ट देखिए। पश्चिमी अफ्रीकी देश गिनी में घातक मारबर्ग वायरस का पहला मामला सामने आया है। WHO ने कहा कि यह वायरस चमगादड़ों से फैलता है और इसकी मृत्यु दर 88% तक होती है। 2 अगस्त को दक्षिणी गुएकेडो प्रांत में एक मरीज की मौत हो गई, उसी के नमूनों में इस वायरस को पाया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इस व्यक्ति में इबोला नहीं मिला बल्कि मारबर्ग वायरस मिला है। इस वायरस की खोज WHO द्वारा गिनी के इबोला के दूसरे प्रकोप को समाप्त करने की घोषणा के ठीक 2 महीने के बाद आई है, जो पिछले साल शुरू हुआ था और इसमें 12 लोगों की जान चली गई थी। वहीं WHO ने कहा कि मारबर्ग वायरस आमतौर पर रोसेटस चमगादड़ की गुफाओं से जुड़ा होता है। WHO के अनुसार इसका संक्रमण संक्रमित लोगों के शारीरिक तरल पदार्थ या दूषित सतहों और सामग्रियों के संपर्क में आने से फैलता है। हालांकि वैश्विक स्तर पर यह वायरस अभी उतना खतरनाक नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, वी न्यूज़।